बॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर खान सलमान खान इंडस्ट्री में अपने गुस्से के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि सलमान खान से पंगा लेना यानी कि शेर के मुंह में हाथ डालना जैसा है। इंडस्ट्री में कई ऐसे उदाहरण हैं जब सेल्वेस को सलमान खान से पंगा लेना बेहद भारी पड़ा है और इसका खामियाजा उन्होंने अपने करियर गंवाकर भुगता है। सुल्तान सलमान माफी पर यकीन नहीं रखते, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी और की गलती पर सलमान ने सामने से आकर किसी से माफी मांगी हो? खैर, आज की तारीख में जिसकी उम्मीद सलमान से कोई नहीं कर सकता है वह कारनामा बरसों पहले सलमान को अपनी उस वक्त की मौजूदा गर्लफ्रेंड सोमी अली के खातिर करना पड़ा था। सोमी के प्यार में सलमान इस कदर झुके थे कि उन्होंने सुनील शेट्टी से सोमी की एक भूल के लिए माफी मांगी थी और यह दिलचस्प किस्सा आज भी तरोताजा है। अगर आप भी सलमान खान के फैन हैं तो शायद आप ये किस्सा जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो वीडियो को पूरा देखिए। दरअसल हुआ यूं कि 90 के दशक में सुनील शेट्टी अपनी डेब्यू फिल्म बलवान से हिट साबित हुए थे। 1992 में रिलीज हुई बलवान में सुनील शेट्टी के काम को काफी पसंद किया गया, जिसके बाद एक फिल्म मेकर ने सोमी अली को सुनील शेट्टी के साथ अपनी फिल्म में लीड रोल ऑफर किया, लेकिन सोमी अली ने उस वक्त सुनील शेट्टी को न्यू कमर एक्टर कहकर फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया था, जिससे सुनील शेट्टी की बेहद बेइज्जती हुई। हालांकि खास बात तो यह है कि उस वक्त सोमी अली ने बॉलीवुड में डेब्यू भी नहीं किया था और सोमी की पहचान सिर्फ सलमान खान की गर्लफ्रेंड के तौर पर थी। सलमान के प्यार के नशे में चूर सोमी को अपनी गलती का एहसास उस वक्त नहीं हुआ। खैर, पासा पलटा और सिर्फ 2 सालों में ही सुनील शेट्टी वक्त हमारा है और दिलवाले जैसी फिल्मों से स्टार्स की श्रेणी में आ गए, जबकि सोमी अली सिर्फ बॉलीवुड में लॉन्च होने के लिए अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश कर रही थी। फिर वक्त आया 1994 का। 1994 में डायरेक्टर संजय खन्ना ने अपनी फिल्म अंत में सुनील शेट्टी के अपोजिट खूबसूरत सोमी अली को कास्ट करना चाहा, लेकिन तब तक बाजी सुनील शेट्टी के हाथ में आ चुकी थी। 2 साल पहले सोमी ने सुनील के साथ काम करने के ऑफर को ठुकराया था, तो इस बार जैसे को तैसा करते हुए सुनील शेट्टी ने सोमी के साथ काम करने से इनकार कर दिया। अतीत में की गई एक भूल की वजह से सोमी के हाथ से एक अच्छी खासी फिल्म खिसकने वाली थी, तभी उनकी डूबती नैया को सहारा देने सलमान खान को बीच में आना पड़ा और सोमी की खातिर सलमान ने न सिर्फ सुनील शेट्टी से माफी मांगी बल्कि सुनील शेट्टी को अंत में काम करने के लिए भी मनवाया। तब जाकर सुनील शेट्टी अपने अपमान को भुलाकर सोमी के साथ काम करने के लिए राजी हुए। अंत सुपरहिट फिल्म साबित हुई, लेकिन अंत की सक्सेस का क्रेडिट भी सुनील शेट्टी अपने एक्शन सीन्स की वजह से ले गए थे। हालांकि सोमी अली के काम को भी लोगों ने बेहद पसंद किया था। तो दोस्तों, ये था वो दिलचस्प किस्सा जहां पर अपनी गर्लफ्रेंड सोमी अली के लिए सलमान खान को सुनील शेट्टी के सामने हाथ जोड़ना पड़ा। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि इस समय सलमान खान और सुनील शेट्टी दोनों ही बेहद करीबी दोस्त हैं और समय समय पर इन दोनों की दोस्ती का किस्सा वायरल होता ही रहता है। 90 के दौर के ये दोस्त आज भी एक दूसरे के साथ हैं और हमेशा से एक दूसरे की मदद भी करते रहते हैं।